इसको लगाना पड़ेगा अब थंबनेल में, तो आप सोच सकते हो क्या क्या करना पड़ता है आप लोग को एजुकेट करने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देख लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। यदि आप अपने मैन बूब्स को हटाना चाहते हो तो आपको किन किन फूड्स को अवॉइड करना, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 70% आपका डाइट है। यदि आपका डाइट सही नहीं है, यू कांट चेंज योर बॉडी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड यदि आपने अपने बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर करना। उससे क्या होगा, आपको मेरे फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। सो जितने भी लोगों का मैन बूब्स का प्रॉब्लम है, उनमें से 95% केसेस में उनका चेस्ट फैट परसेंटेज बहुत हाई है, तो उनको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। जितना वो अपने बॉडी फैट परसेंट कम करेंगे, उनका मैन बूब्स का प्रॉब्लम जाते रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता कि सर, मैं अपने चेस्ट से फैट कैसे कम करूँ, मैं अपने बाइसेप्स से फैट कैसे कम करूँ, मैं अपने थाई से फैट कैसे कम करूँ। तो उनको मैं एक सीधा आंसर देना चाहता हूँ कि आप कभी भी एक पोर्शन से फैट कभी नहीं कम कर सकते। जब भी आपको फैट कम करना होगा, आपको अपने ओवरऑल बॉडी से फैट कम करना है। तो मैन बूब्स को हटाने के लिए एकदम बिल्कुल हटाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने डाइट को देना पड़ेगा। यदि आपका डाइट खराब है, यू कांट चेंज योर बॉडी, आप मैन बूब्स को हटा नहीं सकते। तो उसके लिए आपको उन फूड्स को अवॉइड करना है जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे हाई कार्ब फूड्स रिच इन शुगर, एल्कोहल, जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स। इन सारे फूड्स में आपका कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जितना कैलोरीज आपका बॉडी के अंदर जाएगा, उतना आप कैलोरिक सरप्लस में जाएंगे। आपको कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करना है। यदि आपको पता नहीं कि व्हाट इज कैलोरिक डेफिसिट डाइट, मैंने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के रखा है। आप मेरे चैनल को विजिट करें और उन वीडियोज़ को देखें, आपको एक अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स पर ध्यान दें, फ्रूट्स पर ध्यान दें। ये ऐसा फूड्स है जिनमें आपको लो कैलोरीज मिलेगा, साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट डेंस है। आपको बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स जरूरत है, इन फूड्स आपको मिल जाएगा। आपको रोटी चावल थोड़ा कम करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना। आप सोचिए, डेली 10 रोटी खाते हैं तो उसके जगह आप डेली 2 रोटी खाइए। यदि आप डेली इतना चावल खाते हैं, उसके जगह आप इतना चावल खाइए। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्वांटिटी को कम करना है। कुछ भी खाना खा रहे हो, उसका क्वांटिटी कम करें, और उन फूड्स का क्वांटिटी बढ़ाना जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जैसे चिकन, फिश, पनीर, मिल्क। इन फूड्स को आपको ज़्यादा खाना है, बिकॉज इनमें प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन से आपका बॉडी मसल्स बनता है, एंड जितना ज़्यादा आपका बॉडी मसल्स बनेगा, उतना ही ज़्यादा फैट लॉस करेंगे। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बार बार एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप डेली अपने डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करें। फ्रूट्स एक ऐसा चीज़ है जिसे आपको खाने में मजा आएगा, एंड कैलोरी बहुत कम रहता है, और आपको भूख भी नहीं लगेगी। जब भी भूख लग रहा हो, कभी वेजिटेबल सूप बनाएं, कभी सलाद बनाएं, कभी फ्रूट जूस लें, कभी फ्रूट्स काट के खाएं, तो ऐसा खाएं। साथ में एग्स इंक्लूड करें अपने डाइट में, बिकॉज इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई है। एंड बिल्कुल बाहर के फूड्स को अवॉइड करें, बाहर के फूड्स का एकदम ना कहना आपको, और फ्राइड फूड्स नहीं खाना है। रोटी चावल को थोड़ा कम करें, देखिएगा स्लोली स्टेडली आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो होते रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके एक महीने में पूरा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा, एक महीने में कभी कुछ नहीं होता है। आपको हाँ पता चलेगा, हाँ विजिबल रिजल्ट्स आपको मिलेगा, लेकिन एक ही बार में एक महीना पूरा बॉडी आपका कभी चेंज नहीं होगा, उसके आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे चीज़ में आपको आंसर दे दिया, हाँ आपको इस तरीके से करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ अपने बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल, प्लीज़ बाय, टेक केयर।